नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। घग्गर नदी के तटों का डीसी ने किया औचक निरीक्षण। एम्बुलेंस तैनात करने के दिए हैं सख्त निर्देश। खनौली व गुलाचिका के जल स्तर घटा, लेकिन ऑटो हेड पर बढ़ सकता है जल स्तर। वहीं विभागीय टीम के साथ तैनात हैं किसान। धार के बीच में धान के खेत जलमग्न। गुलाचिका में पानी की मात्रा कम हुई है, लेकिन अभी भी ऑटो हेड में पानी का जल स्तर बढ़ सकता है। जी हाँ, घग्गर नदी में पानी के बढ़ते जल स्तर को लेकर के जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने टीम को 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते एलनाबाद उपमंडलाधीश अमित गुलिया, ओडा बीडीपीओ ओम प्रकाश, रवि कुमार, नहर विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेश बिश्नोई, कार्यकारी अभियंता एनके भोला, उपमंडल अभियंता अमित नैन, कनिष्ठ अभियंता प्रदीप हुड्डा सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके तैनात किया गया है। शुक्रवार को जिला उपायुक्त परमजोत सिंह ने ऑटो हेड को लेकर के पूरे क्षेत्र का दौरा किया। उपायुक्त ने घग्गर नदी के सभी तटों का स्वयं जाकर के बारीकी से निरीक्षण किया और किसानों को भी बातचीत करके बताया जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि घग्गर नदी के खनौरी हेड पर बरसाती पानी का जल स्तर घट गया है, जिसे लेकर के बाढ़ की स्थिति एक बार फिर टल गई है। इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता राजेश बिश्नोई ने बताया कि नदी के तटों पर विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी के लिए तैयार है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने आसपास के इलाके में पूरी निगरानी रखें, कहीं से भी अगर पानी का लीकेज होने की सूचना मिलती है तो तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दें। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में फोन नंबर पर ऑटो हेड के इंचार्ज ओम प्रकाश को सूचना दे सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक नंबर भी सार्वजनिक किया है। वहीं अधीक्षक अभियंता ने बताया कि खिनौरी व गुलाचिका में पानी की मात्रा कम हुई है, लेकिन अभी ऑटो हेड पर पानी का जल स्तर बढ़ेगा, इसके बाद कम होने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नहरी विभाग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी तटों पर मिट्टी के बैग भर करके रखे हुए हैं, जिनसे किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तत्पर वे गट्टे उसमें डाल दिए जाएंगे। ऑटो हेड पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए डीसी प्रभजोत सिंह ने एम्बुलेंस तैनात किए जाने के सख्त निर्देश दिए। घग्गर नदी के निरीक्षण के दौरान जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एम्बुलेंस के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना होती है तो इससे पहले एम्बुलेंस का यहाँ होना अति आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने बिजली व्यवस्था अन्य जानकारी मौके पर जाकर के हासिल की। इसी के साथ आपको बताते हैं, आइए कहां पर है कितना पानी। गुलाचिका में 38,772 है और खनौरी हेड पर 12,800 क्यूसेक पानी है। चांदपुर 12,500, ऑटो हेड पर 16,632 क्यूसेक पानी है, जिसमें से 15,100 क्यूसेक पानी राजस्थान की ओर छोड़ा गया है। वहीं घग्गर नदी के तट पर रहने वाले किसान भय के साए में हैं। घग्गर नदी के तट पर लगते गांव ओटू की रोजाबाद ढाणी, सतनाम सिंह ढाणी, बग्गी, थेड़ी मोहर सिंह सहित अन्य कई गांवों के किसानों में भय का माहौल है। किसानों ने बताया कि उनके खेत नहर की धार के बीच में आते हैं, जहां पर पानी पूरी तरह से भर गया है। पानी के लगातार खड़ा रहने से धान की फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं फिरोजाबाद के पास घग्गर नदी टूटी थी, जिसके चलते इस बार भी किसानों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। अब देख रहे हैं, नहीं ऐसी कोई संभावना आज के दिन में नहीं लगती है, हमारी तैयारियां पूरी हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम हर एक जो मतलब दुर्घटना से या किसी भी ऐसे इंसिडेंट से हम निपटने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये बता दीजिए, बताया आपको डीडीए साहब के पास दरखास्तें आ गई हैं, वो कंपनी के पास भेजी जा रही हैं। कोई एक क्लस्टर की ऐसे समाचार नहीं है, कोई क्लस्टर में ऐसा कोई वहाँ पे हम स्पेशल गिरदावरी के और तुरंत ऑर्डर कर देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश आ चुके हैं, और ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लस्टर नहीं है। 8,000 एप्लीकेशनें पूरे जिले की स्कैटर्ड हैं, उसमें एक बार चेकिंग सब जगह करनी पड़ेगी। आज फ्लड के कामों का निरीक्षण किया गया है, जो हमारे यहाँ पीछे से काफ़ी पानी आया है। गुलाचिका में अब लेवल कम हो गया, लेकिन हमारे यहाँ भी पानी बढ़ रहा है, तो हमारे एससी साहब और इरिगेशन विभाग के सारे अधिकारी और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, डीआरओ, एसडीएम्स, एडीसी मैडम ने भी पहले चेक कर लिया था, तो हमारे सारे अधिकारी तत्पर हैं। गाँव में मुनादी करवाई हुई है और कहीं पर भी अभी तक किसी प्रकार का कोई अशुभ समाचार नहीं है, कोई जानमाल का नुकसान अभी तक रिपोर्टेड नहीं है,
हमारे ये प्रयास है कि मतलब कोई भी समस्या पे हम पहले निदान प्राप्त कर लें। एक NHA का ब्रिज जरूर बैठने की समस्या आई है, वो हमने NHA को बता दिया, वहाँ पे ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया है। परंतु हमारे यहाँ जो पानी का मतलब अभी तक ओवरफ्लो का कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। सर, राजस्व विभाग की ओर से या प्रशासन की ओर से किस तरह का अलर्ट जारी किया हुआ अभी तक? सभी गाँव में मुनादी करवा दी गई है, ग्राम सचिवों को, पटवारियों को, चौकीदारों को, नंबरदारों को अलर्ट कर दिया गया है। गांव में ठीकरी पैरे का भी निर्देश दिया गया है और हमारे सारे राजस्व अधिकारी भी, चाहे वो SDM हों, तहसीलदार हों, चाहे वो ग्राम सचिव हों, BDO हों, पंचायत डिपार्टमेंट के जो सारे अधिकारी हैं, इरीगेशन डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी हैं, इवन जो जहाँ पे जो पहले बारिश होती रही है, 3-4 दिन रेगुलर बारिश हुई है, उसके कारण भी हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग के सारे जो अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है मौके पे जाकर के अगर फसलों का नुकसान हो उसका भी जायजा लें। तो हमारा जो प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है। सर, अब तक कितने एकड़ मतलब पानी जो फसलों में खड़ा अभी तक? अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास आज के दिन में लगभग 7-8 हज़ार, जो 7 से लेकर 8 हज़ार एप्लीकेशनें आ गई हैं, जो कि वो अभी कंपनी को आगे प्रेषित करेंगे। कंपनी वाले फिर आके उसमें जांच करेंगे। उसमें अभी कंपनी वालों की तरफ से अभी जांच शुरू नहीं हुई है, अभी DDA के पास एप्लीकेशन एकत्रित होने का काम चल रहा है। कितना पानी और बढ़ने की उम्मीद है सर? अभी जो गोला चिक्का से जो पीछे जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है वहाँ पर पानी अब कम हो रहा है, तो हमारे यहाँ उसको पहुँचने में लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता है। तो हमारे यहाँ पानी अभी थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन हमने जो पानी चेक कर लिया यहाँ पे, हमारे पास अभी भी हल्का फुल्का उसमें जो इंक्रीज़ होने की क्षमता अभी भी है। तो अभी हमारा मतलब कहीं भी कोई अशुभ समाचार आने का ऐसा नहीं लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा। नाम अजय सैनी है, गाँव ओटू करने वाला निवासी हूँ जी। ये 2010 के अंदर फिरोजाबाद जब टूटी थी नाली, ये दरार आने के कारण जब टूटी थी, इसका हमको अभी खतरा है, ये अभी कोई प्रशासन नहीं आ रहा इस पर। तो कितना पानी अब चल रहा है, आपको क्या लगता है, किस डर के साय में हो? हम तो जी देखते हैं जी कि ये पानी पीछे से बता रहे ज़्यादा आ रहा है, 2010 जैसे डर है जी इसमें आने के लिए पानी। तो कितने लोगों के खेत डूब गए यहाँ पे? इनके प्रताप सिंह ढाणी से ऑटो हेड से लेकर प्रताप सिंह ढाणी तक बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। कितने एकड़ फसल है जो डूब गई? इसके अंदर 100 एकड़ से ज़्यादा है। नाली के जो बन वो तो है ठीक, बाकी कुल मिला के ना जी नाली के इन्हें पुल बनाए हैं ना जी, तो एक जी कलाली नहीं क्ढी है हेड के अगले बन्न, ये तो सब तो ज़्यादा तो कलाली खराब कर दी। फसल तो छड़ दू, फसल तो बेच तो डुबी डुबी जी है, तो बाकी जी ना कलाली है सब तो ज़्यादा कलाली खराब कर दी है। तो नाली के जेडे इन्हें पुल बनाए ना जेडे लोगों ने लंघन वास्ते, कुत्ते वड हो गया जाए इस हो गया हारनी वाला पुल बंद मार मार के दी सारी तनाली पूर दी लोगों ने JVC ला ला के, तो इतने पानी किधर की लंघूगा, पानी तो अक्सर धार के बेच दी लंघना, धारा तो लोगों ने बंद कर दतिया जी। की डर लगता है इन्ना पानी आया फिर? डर तो हूँ जो लगना वो लग हटिया, जो हम सा फसल हो गई नाश, हूँ सा डर हो गया खत्म, हूँ दूजे डर जो डूब गए। हाँ जी हाँ जी, कितनी फसल डूब गई थोड़ी? मेरी बेच सी जी 5-6 किले करीब डूब गई। हाँ जी सारी डूब गई, तो बाकी जेडे ये सारा ही कलाली तो दूजा ना जेडे पुल बनाए सब तो ज़्यादा वो खतरनाक है। पासे साइड से तो लोगों ने आपकी जमीन आपकी जायदाद से बन बन रखे आ, वो सरकारी तो प्रॉपर्टी है नहीं। वो मेरा नाम अजमेर सिंह है, नगराणी दे मैं रहने वाला। ये दरिया का एरिया, दरिया के बन मार मार के लोगों ने बाहर वाले एरिए बहुत खतरा है, इन्होंने 2-2, 4-4 एकड़ से बचा डे ने, तो बाहर सारा एरिया लै बैन गए, तो प्रशासन इस चीज़ में नहीं गौर करता कि ये बन बजे हुए ने। नुकसान विचला तो होया, बाहर आले दे नुकसान दे रौले ने, विचला ते जेड़ा होया की नुकसान है ये तो पता, दरियाई एरिया है ये विचले दे कोई नहीं, बाहर आले दे रौले पए ने, सिरे लगी फसल है तो हुण जान ते बनी हुई है इन्हां दी।